नमस्कार, मैं हूँ अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। लगातार देश और दुनिया में कोरोना का विस्फोट जारी है और स्थितियां खराब हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ खास मेहमान के रूप में डॉक्टर जनरल फिजिशियन है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका डीटीवी भारत में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तरीके से स्थितियाँ इन दिनों बेहद खराब। आप ऐसे फील्ड से आते हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में आप लोग सबसे ज्यादा अहम भूमिका रहे हैं। स्थितियां किस तरीके से देखते हैं, परिस्थितियों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? अभी कोरोना का जो वैश्विक महामारी जो चल रही है, इसमें हम लोग जो देख रहे हैं, इसमें बहुत लोग बहुत काफी डरे हुए हैं। मैंने अभी तक जितने भी मरीज मेरे पास आए हैं, जिसमें 5000 से को मैंने देखा हूँ, इतने ज्यादा डरे हुए मरीज है। वो भी टेस्ट कराने के बाद जो है, उसमें जैसे ही पॉजिटिव आया तो उसने लग रहा है जैसे कि अब मैं बचूंगा नहीं, ऐसे टाइप की उसकी प्रॉब्लम आ रही है ना। तो मेरे पास जितने भी पेशेंट आए हैं, तो मैंने अलग अलग उसका अलग अलग जगह से जांच करवाया, तो सभी टाइप के टेस्ट में अलग अलग रिपोर्ट आए हैं। किसी का पॉजिटिव, किसी का कहीं पर निगेटिव आ रहे हैं। मैंने फिर इसको आश्वासन दिया कि आप घबराइए नहीं, मैंने बहुत सारे मरीज को देखा हूँ और काफी पेशेंट ठीक हुए हैं। इतना तक कि मेरे पास 40 सेचुरेशन SpO2 40 था, 65 था, 85 तक था, पेशेंट को ऐसा स्थिति में थे, लेकिन फिर भी मैंने सारे लोग को विश्वास दिलाया और जो उसकी ड्रग और ट्रीटमेंट का ड्रग लाइन है वो उसको इस्तेमाल किया, और पेशेंट सबसे पहले बोल्ड हुआ मेरा, और बोल्ड होने के चलते मेरा पेशेंट काफी रिलैक्स महसूस हुए और 10 से 12 दिन में वो कम्प्लीट ठीक हुआ। बिल्कुल, मतलब अगर अपना ख्याल रखें, डरे नहीं, स्थितियों को समझें, स्थितियों को समझकर डॉक्टर से सलाह लें और उनके सलाह के अनुसार काम करें, दवाइयां लें समय पर, तो ठीक हो सकते हैं। फिलहाल जो स्थितियां हैं, एक तो दूसरे लहर की स्थिति हम देख रहे हैं, बातचीत तीसरे लहर को भी लेकर चल रही है। दूसरी लहर ने स्थिति खराब कर दी है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है तीसरी लहर के लिए हम लोग तैयार हैं? इस पर कुछ आप विशेष जानकारी दे पाए? जी बिल्कुल, हम लोग तैयार है। और इसमें हम लोग सबसे पहले बात है कि प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन में है सो कहीं भीड़ भाड़ इलाके में हम लोग सो बचना है, घर में रहें, और कहीं बाहर से आए तो हाथ को धोना है, और हाथ धोकर है सो आदमी को फ्रेश होकर ही, मतलब अगर कहीं हॉस्पिटल से आए हैं तो कपड़ा जो भी पहने हुए हैं उसको धो लेना है, उसको बाहर फ्रेश कर लेना है, ज्यादा बेटर है ना। और कोई भी चीज खाने से पहले उसको हाथ को धोकर ही खाना है, इससे जितने भी, क्योंकि वायरस फैकल्टेटिव पैरासाइट के तरह होते हैं कि बाहर में इन्वायरमेंट में इनएक्टिव होते हैं, जैसे उसको सेल मिलेगा वो एक्टिव हो जाएंगे, और जैसे एक्टिव होंगे तो इन्फेक्शन कॉज करेंगे, जिसमें फीवर हो गया, बहुत सारा ऐसे पोटोमिक भी आ रहे हैं। कल मेरे पास पेशेंट आए हैं जिसका सेचुरेशन 80% था। हमारे सीतामढ़ी ACMO है, उन्हीं का फैमिली का मम्मी है जो यहाँ एम्बुलेंस संभालते हैं, लेकिन उनका कोविड निगेटिव था। तो हमको ये मान के नहीं चलना है कि कोविड निगेटिव है तो उसका ट्रीटमेंट कोविड के अनुसार देना है ना। सेचुरेशन मेरा घटा है, उसका सिम्टम जो हमको दिख रहा है, सिम्टम के आधार पर हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। तो मैंने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और रात के समय में उनका सेचुरेशन 60% पर चला गया था, लेकिन अभी मैंने अभी चेक किया हो तो 89% पर है, सो आ गया है। मतलब सेचुरेशन और कोई ज्यादा लेवल की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आम भाषा में अगर समझे तो ऑक्सीजन लेवल, जो ऑक्सीमीटर से इन दिनों लगातार लोग अपना भी चेक कर रहे हैं, जो नॉर्मल है वो भी लगातार चेक कर रहे हैं कि कहीं मेरा कम नहीं हो जा। अच्छा, कितने मतलब मिनिमम कितना रहना चाहिए जिसमें आदमी अपने आप को स्वस्थ मान सकता है कि हाँ अगर इतना है तो आप स्वस्थ हैं? 92% से अभव है तो पेशेंट पूरी तरह से ठीक है। अगर 92 से नीचे जा रहा है तो हमको यह मान के चलना है कि हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं से क्लॉट बन रही है, या तो लंग्स में ब्लड क्लॉट हो रही है, या तो कार्डियक में कहीं ना कहीं क्लॉट बन रही है, जिस कारण से सैचुरेशन घट रही है। हमारे पास कुछ ऐसे भी मरीज आए हैं जिसका कोई भी सिम्टम नहीं है, लेकिन उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन है सो बहुत कम है। अभी समस्तीपुर से कॉल आए थे, हमारे DSP साहब के मम्मी है जो एडमिट है अभी वहां पर, उन्होंने मुझे भेजा, मैंने तुरंत उनको D-dimer IL-6 करवाया, D-dimer उनका भरा हुआ था। मैंने ट्रेंडम बोला कि इनोक्साप्रिन ऐड कीजिए, सिम्टम पर मत जाइए कि सिम्टम अभी नहीं है, हो सके का एक सैचुरेशन घट जाए और स्थिति कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, इसलिए ड्रग और ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट करवा दिया। और इसमें ज्यादा कुछ ड्रग चलाने की जरूरत हमने आज तक नहीं देखा हुआ है, क्योंकि आज तक मैंने 5000 से अभव पेशेंट, जिसमें बिहार का एवरी डिस्ट्रिक्ट, जिसमें 90% हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, सीतामढ़ी जिला हो चाहे समस्तीपुर हो, समय अभी तो झारखंड के हमारे IPS लोग है, और दो तीन को हमारे बिहार कैडर का जो IAS थे उनके फ्रेंड है, IPS है वहाँ, तो उनके भी मम्मी का इलाज मैं कर रहा हूँ और अभी पूरी तरह से ठीक है। वही नहीं, पेरिस में, आउट ऑफ इंडिया जो पेरिस में हमारे है,
तो उनका भी पेशेंट का ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल मैंने पूरा फॉलो किया और पेशेंट मेरा 8 डे के बाद है सो निगेटिव आ गया, जिसका मैंने आपको भेज भी चुका हूँ उसका स्क्रीनशॉट, मैं एक एक ट्रीटमेंट का गाइडलाइन में भेज चुका हूँ, है ना। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, और मेरा पेशेंट पूरी तरह से ठीक है, मुझे जी 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 आप पूरा करें। मेरा अभी तक मैंने कभी भी किसी पेशेंट को रेमडेसिविर यूज करने का जरूरत नहीं पड़ा है, नहीं रेमडेसिविर नहीं टॉक्लिजुमैब, आज तक रेमडेसिविर दवाई की जरूरत नहीं है लोग, लेकिन फिर भी मेरा पेशेंट 40% हाँ बिल्कुल, मतलब जनरल दवाइयों से भी आप लोगों को ठीक कर रहे हैं। रेमडेसिविर के लिए जो हवा एक बना हुआ है मार्केट में, एक पूरा तरीके से मार्केटिंग उसकी की गई है, उसकी जरूरत नहीं है। जी जी हमको ऐसा नहीं लगा, है ना। हमने दो दवा पर ही से पेशेंट को ट्रीटमेंट लिया, इसमें एक एस्ट्रॉइड में डेक्सोना हमने यूज कर रहा है 8 मिलीग्राम बीडी 7 to 10 days ले रहा है, एनोक्सीप्रीन है सो 61 मिलीग्राम पर बॉडी वेट के अनुसार है सो 60 मिलीग्राम बीडी है सो 2 times है सो दे रहे हैं 7 to 10 days, और बाद बाकी प्रिकॉशन में हम लोग दे रहे हैं जो क्या कहते हैं मोन्टिनोकास्ट जो लिवर सिट्रिजिन के साथ है, सिनिजिंग अगर ज्यादा है तो विटामिन सी हो गया, मल्टी विटामिन हो गया। लेकिन बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं मेरा गला है सो बझा हुआ रहता है, गला यहाँ पर बहुत इरिटेशन होता है, तो उसके लिए मैं आयुर्वेद के टेक्निक पर उसको ले आता हूँ। अच्छा, कि पानी में अदरक डालकर गर्म करवाकर उसमें नींबू का रस मिलाकर उसको भर दिन में 4 to 5 बार मैं देता हूँ, और पेशेंट मेरा काफी रिलैक्स हो गया, उसको ऐसा लगा कि मैं 2 दिन में पूरी तरह से ठीक हो गया। तो सबसे पहला काम है हमारा ये रहता है कि पेशेंट को अपने विश्वास पैदा करे, जब तक क्योंकि पेशेंट इतने डरे हुए हैं, हमारे एक सीडीपीओ मैडम है जो सोच नहीं सकते हैं, जिनको कोविड मैंने ठीक कर चुका था और रात के समय में एकाएक उनका सेचुरेशन 87 हुआ, तो इतना डर गई कि लग रहा था मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी, ऐसे हाफ रही थी। फिर उसका थोड़ा देर में जब चेक किया गया SpO2 तो उनका 95% था। मैंने उनको काफी आश्वासन दिया कि मैं 5000 से अभव लोग को बचा लिया, तो आप क्या है, आप तो ऐसे ही आपका 95% सेचुरेशन है, 40% जब खड़ा हो सकता है तो 95% आप तो जिंदा है, पूरी तरह से जिंदा है, आप तो पहले ही स्वस्थ हैं। आपको तो अगर आप सही तरीके से अपने आप को समझे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इलाज की भी जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिन दवाइयों के नाम लिए वो मात्रा भी आपने बता दी, हालांकि हम इस पे एक क्लियरिटी आपसे चाहेंगे, ये दवाइयाँ घर पे खुद से नहीं लेनी है, ये अगर कोई डॉक्टर दे रहे हैं, डॉक्टर की सलाह से अगर ये दवाइयाँ आप ले रहे हैं या इन दवाइयों का सेवन अगर डॉक्टर के देखा देखरेख में हो रहा है तब तो ठीक है, आप खुद से नहीं ले, आप ये कहेंगे? जी बिल्कुल, जी जी, किसी बिना डॉक्टर के एडवाइस से अगर लेते हैं तो उसको जैसे हम मान लीजिए कि एनोक्साप्रिन हम सबक्यूटेनियस देना है, हो सके सबक्यूटेनियस नहीं देकर कोई बहुत सारे लोग इंट्राडर्मल दे देंगे, हो सकता है कि एक्टोडर्म में दे देंगे, तो इसका साइड इफेक्ट काफी हानि आ सकता है, इसीलिए कोई भी दवा चलाने एलोपैथ तो वैसे भी दवा जब भी स्टार्ट करे तो विदाउट डॉक्टर के एडवाइस कर लेना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई लोग क्या है इंटरव्यू सुन के दवाइयों के नाम सुन के वो मार्केट में दौड़ने लग रहे हैं और दवाइयां खरीदने लग रहे हैं। अमूमन हमने कोरोना क्या ऐसे भी जनरल अगर किसी को बीमारी होती है तो वो डॉक्टर से दिखाने से पहले मेडिकल शॉप जाते हैं, वहां से दवाई लेते हैं और फिर अपना इलाज खुद ही शुरू कर देते हैं, इसलिए हमने चाहा ये भी पता चले खुद से दवाइयां फिलहाल लेने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोला है, जैसे एक गाइडलाइन जारी की हुई है कि जितने भी पेशेंट है सारे को एजिथ्रोमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन विटामिन सी मल्टी विटामिन सबको दे दो, लेकिन मैं अपने पेशेंट को आज तक ऐसा नहीं किया क्योंकि तो सभी का बॉडी अलग अलग है, सभी का इन्फेक्शन अलग अलग है, सभी का इम्यूनिटी अलग अलग है, तो मैं थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में सेफेक्जिम हो गया, बहुत को तो मैं सेफेक्जिम प्लेन दिया तो 200 mg दिया सुबह शाम 7 days ठीक हो गया। अगर किसी का नहीं ठीक हुआ, ऐसा भी पेशेंट आया जो 10 days दवा लेने के एजिथ्रोमाइसिन 5 days खा लिया फिर भी फीवर नहीं ठीक हुआ, मैं उनको हैसो फिर हैसो बीटालेक्टमेज हैसो क्लेवोनिक एसिड फिर सेफेक्जिम या सेफोडक्सिन के साथ मिला के दिया, अगर 10 days के बाद अगर नहीं अगर वो ठीक होता है तो मैं हैसो फिर हैसो डेफ्लेजा को टेस्ट्रॉइड होता है मैं 6 mg हैसो उसको 3 days के लिए ऐड करता हूँ और पेशेंट पूरी तरह से मेरा ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं फलना पेशेंट को ये दिया तो ये देखा देखी से फलना भी ये शुरू कर दे तो उसका साइड इफेक्ट बहुत बड़ा घातक बहुत बड़ा है और ये लोगों को अभी फिलहाल समझने की जरूरत है। डॉक्टर साहब हम ये इसलिए भी बातचीत कर रहे हैं क्योंकि अभी एक रेमडेसिविर एक ऐसी दवा है जिसको लेकर मारामारी चल रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर लोग खरीद के अपने घरों में स्टॉक कर रहे हैं कि कहीं अगर मेरा कम हुआ सिचुएशन या मेरा अगर लेवल कम होता है तो मैं खुद से ऑक्सीजन ले रहा हूँ,
या वगैरह वगैरह। इस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि ऐसे जो मरीज हैं, काफी संख्या में ज्यादा मरीजों की इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जिनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है। आपके पास जो मरीज आते हैं, जो जिसको आप कहते हैं कि नहीं फिलहाल आप भर्ती हो जाइए, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, आपको हॉस्पिटल रहने की जरूरत है, ऐसे मैं अगर आपसे जो आपने कहा कि 5,000 मरीजों को आपने अभी तक ट्रीट किया है, उनको ठीक किया है, उनमें से कितने ऐसे मरीज रहे होंगे जिनको फिलहाल भर्ती करने की जरूरत पड़ी? उसमें से हमको तो मात्र 3% को छोड़कर बाद बाकी किसी को भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बिहार मतलब बिहार हो गया मध्य प्रदेश से भी कम है सर ये तो एक बिहार हो गया बिहार मध्य प्रदेश यूपी दिल्ली ऐसे ऐसे जगह के लोग सब मुझसे ठीक हुए। ज्वाइंट कमिश्नर हमारे बिहार के हैं तो उनके बहुत सारे रिलेटिव थे, दिल्ली में थे, यूपी में थे, उनको मैंने ठीक किया। अपने बिहार कैडर के जो IAS है उनके फ्रेंड लोग सब थे तो उनको मैंने ठीक किया, है ना। और सबसे बड़ी डिमेरिट क्या है कि लोग में जैसी कोविड पॉजिटिव का टेस्ट देख रहा है सबसे पहले HRCT करवा ले रहा है, जो वेरी वेरी डेंजरस। HRCT ये भी बता दीजिए HRCT क्या है। एक मैं HRCT जो होता है आम लोग इसको जरा समझे कि इसकी जरूरत है या नहीं। जी, HRCT जो होता है ये जो हो गया, ये जो चेस्ट का जो एक्सरे जो हम करवाते हैं उसी ढंग से चेस्ट का CT स्कैन हो गया, कॉग्निटिव टोमोग्राफी इसको बोलते हैं, जिसमें लंग्स के एक एक पार्ट का एग्जामिनेशन किया जाता है, हमारे किस किस पार्ट को कितना डैमेज किया है, तो इसके लेकर हो गया। लेकिन हम अगर किसी भी नॉर्मल पेशेंट को जिसका सिचुएशन 92 से अबव है, अगर उस स्टेज में हम पूरी तरह से मानते हैं कि वो हमारा ठीक है, लेकिन फिर भी हम अगर आप HRCT टेस्ट का अगर करा लेते हैं तो एक HRCT कराने का मतलब आप 300 से 400 एक्सरे करा चुके हैं। अगर किसी भी पेशेंट को मतलब अगर ये है कि 300 से 400 बार आप एक्सरे करा रहे हैं, हाँ, एक HRCT कराने का मतलब 300 से 400 आप एक्सरे करा चुके हैं, इसका इससे इसका बेब इतना खतरनाक है कि आपको लंग्स को इतना डैमेज कर देगा कि आने वाले भविष्य में आपको लंग कैंसर होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। इसीलिए नॉर्मल केस में कभी भी HRCT कराने की जरूरत नहीं है जब तक कि आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है 92 से नीचे नहीं जा रही है, ना। अनाबुल टेस्ट, अनाबुल मेडिसिन खाने की भी जरूरत नहीं है, जहां तक कि मुझे अपना एक्सपीरियंस लगा। और मैंने आउट ऑफ जितने भी सारे लोग को देखा जिसमें अधिकतर हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, IAS, IPS, डिस्ट्रिक्ट जज है, मुझे भी आश्चर्य लगा कि मेरे जैसे डॉक्टर को कॉल से बात कर रहे हैं। सर मैं गर्व कर रहा था, इतने बड़े बड़े सर लोग को छोड़कर मुझे ही कॉल क्यों कर रहे हैं, मैं एक प्लेन सिंपल डॉक्टर हूँ जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हूँ, फिर भी ऐसे मुझे गर्व। और सारे लोग ठीक हुए जिसका एक एक रिकॉर्ड मेरे पास है, एक एक चैट मेरे पास है, एक एक कॉल का रिकॉर्ड मेरे पास है। मतलब ये बड़ी बात है कि लोगों को लगता है कि डॉक्टर जो उचित सलाह दे रहे हैं उस पर अगर काम किया जाए तो ठीक हो रहे हैं। और देखिए दरअसल ये लोगों को बताने की भी जरूरत है डॉक्टर साहब, मैं आपसे इसलिए लगातार बातचीत कर रहा हूँ, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ये जानकारी देना बेहद जरूरी है कि सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सभी घबराएंगे तो स्थितियां और खराब होंगी, और खराब होंगे। अभी अभी के हाल फिलहाल जब ये बात बोले हैं तो मुझे याद आई है, अभी जस्ट परसों में बात किया था एक हमारे BAMS जूनियर है जो अभी नोडल ऑफिसर PMCH में है, कोविड में उनका ड्यूटी है, और वो कोविड पॉजिटिव हुए थे और उनका सेचुरेशन ऑक्सीजन का सेचुरेशन 95% था, लेकिन उनका एक फ्रेंड थे डेंटल डॉक्टर थे जो एक्सपायर कर गए कोविड के चलते, तो वो बार बार उसकी फोटो देख रहे थे, उनको फोटो देखने से उनको इतना पल्पिटेशन हुआ और इतना डर गए कि उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 87% पर आ गया। और उसके बाद तुरंत मुझे कॉल किए, मैंने फिर बताया कि अरे भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है ना, मैं तुरंत उनको मेटोप्रोटोलॉल टेबलेट है सो दिया, कार्डियक रिदम जो उसका एरिथमिया जो टाइप से उसको फील हो रहा था उसको लिए उठाया, फिर नॉर्मल हो गया। उसके बाद हमने उनको बोला इसे मत देखिए, कोई भी टीवी न्यूज अभी मत देखिए, कोविड से रिलेटेड पर चर्चा मत कीजिए, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि गाँव के अपेक्षा टाउन के लोग को ही ज्यादातर कोविड हो रही है। आप अगर रूरल एरिया में घूम रहे हैं तो रूरल एरिया में लोगों को बहुत कम कोविड पॉजिटिव है देखा जाए तो, और वो लोग जितने भी लोग को फीवर अभी हो रही है वो लोग गांव के प्रैक्टिशनर की दवा खाकर ठीक हो रहे हैं, क्योंकि तो उसे पता नहीं है कि ये कोविड क्या है। और हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग टाउन में रहते हैं, हम लोग सारा चीज को देख रहे हैं, तो हमें एक डर पैदा हो गई है, और कोविड पॉजिटिव मतलब अब मरना तय है, लोग ये सोच लेता है, इसी कारण से है सो स्ट्रेस में चला जाता है। स्ट्रेस में जाने के बाद है सो ऑक्सीजन को है सो कमी होने लगती है, जिस कारण से और स्थिति खराब हो जाती है। इन्फेक्शन तो पहले से है, ऊपर से स्ट्रेस हो गया जिस कारण से स्थिति और दयनीय हो गई। और सबसे बड़ी चीज है कि उसको बूस्टअप करने वाला आदमी होनी चाहिए, जब तक अच्छे से उसको बूस्टअप नहीं किया जाएगा पेशेंट रिकवर होने की चांस बहुत कम है, क्योंकि मेरा अभी तक एक भी पेशेंट डी नहीं किया है। 40% सेचुरेशन पर मैंने फेसबुक पर भी डाले हुआ हूँ,
ये बहुत अच्छी बात है कि कोई ऐसा किसी के साथ ऐसी घटना नहीं हो, ये हम सब मनाते हैं कि सभी अगर कोई बीमार पड़ तो जल्दी स्वस्थ हो जाए, अपना जीवन जिए और सुखी संपन्न जीवन जिए, ये डीटीवी भारत भी सोचता है। और डीटीवी भारत भी जो लगातार खबरें पहुंचा रहा है वो इसलिए पहुंचा रहा है ताकि आप जागरूक रहें। इस बीच जागरूकता की थोड़ी कमी है, जैसा कि अभी आपने कहा कि गांव तक ये नहीं पहुंचा सर, वाकई में गांव तक अभी इस स्तर का संक्रमण नहीं है जो देश की राजधानी में हो या राज्यों की राजधानी में हो या फिर ऐसे जो मेट्रो सिटी है वहां पर हो, उस लेवल का अभी तक खतरा गांव तक नहीं नजर आ रहा है। और गांव के लोग स्वस्थ हैं क्योंकि एक तो भीड़ भाड़ भी बहुत ज्यादा नहीं है, गाँव की थोड़ी कम है, शहर की जनसंख्या थोड़ी ज्यादा है, भीड़ भाड़ है, प्रदूषण है वगैरह वगैरह 10 तरीके की बातें हैं, अगर बाहर नहीं खाएंगे क्या स्थिति है ये भी है। हम मैं आपसे यहाँ पर ये समझ सकता हूँ कि जिस तरीके से स्थितियां अभी आपने बताया सर कि अगर इलाज लिया जाए प्रॉपर तरीके से, अगर डरा नहीं जाए, अगर स्थितियों को कंट्रोल किया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन इस बीच दूसरी लहर ने पर खासा असर डाला है और युवा भी हैं वो स्पेस में है। हालांकि कई युवाओं से मैंने खुद बातचीत की जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, नहीं मैंने तो घर पे रह के अपना खुद से डॉक्टर की सलाह से इलाज किया और मैं ठीक हो गया। तो युवाओं को भी घबराने की जरूरत है क्योंकि कई युवाओं के डेथ की भी खबर है और कई युवा घर में रह के ठीक भी हो गए। जी जी, तो बहुत सारे लोग तो एसिम्प्टोमिक है, बहुत सारे लोगों का आपका इम्यून सिस्टम काफी अच्छे है जिस कारण से है सो वो ठीक भी हो जाते हैं और हल्का फुल्का इफेक्ट डालते हैं जिसमें सर्दी खांसी जर बुखार ही होकर ही ठीक हो जाते हैं, है ना। मैंने मुझे तो गला के खराश हुआ, मैं कोविड पॉजिटिव वाला एक लड़का था, मुझे पता नहीं था कि उसके पास कोविड पॉजिटिव था, है ना। और मेरे साथ वो कार में बैठ कर गया, कल होकर उसको फीवर लगा और परसों होकर उन्होंने टेस्ट कराया, डॉक्टर साहब के यहाँ गए तो टेस्ट कराया, डॉक्टर साहब ने बोले कि भाई जल्दी से जाकर भर्ती हो जाओ। जैसे उसको बोला भर्ती हो जाओ, वो बेचारा इतना डर गया, मुझे फोन करके बोलते सर अब मर जाएगा। कौन बोला है तुमको, तुम कैसे मर जाएगा बताओ, तुम्हारा ऑक्सीजन इतना लेवल है। हाँ। मैंने 40% वाला फर्क है, तुम्हारे साथ हम घूमे तब तो हम भी कोविड पॉजिटिव है, हम तो आज तक जांच कराने नहीं गए हैं। हाँ। जो सिम्टम है क्योंकि जांच कराएंगे फिर भी वही सिम्टम के आधार पर मैं ट्रीटमेंट दूंगा, नहीं करवाऊंगा फिर भी मैं उसी सिम्टम के आधार पर दूंगा। अब बताइए कि जो मेरा 80% सेचुरेशन वाला रात में पेशेंट आया है उसको कोविड निगेटिव है तो क्या मैं उसको ट्रीटमेंट छोड़ दू, कोविड के आधार पर ट्रीटमेंट उसको नहीं देना है, है ना। तो मेन रूप से मेरा सिम्टम के आधार पर, और देखिए परसों वो पेशेंट काफी अच्छी तरह से ठीक हो गए जिसको फीवर था जिसके साथ हम घूमे थे। हाँ। वो मेरे रिलेटिव को फोन करके बोला कि कल आप हमारा मुंह मेरा नहीं देख पाइएगा, हमको कोरोना हो गया अब हम मर जाएंगे, इतना डर गया था। फिर मैं कहा कि 24 का लोग पूरी तरीके से डरे हुए हैं, उनको ये जानने की जरूरत है कि सभी कोरोना पेशेंट की मौत नहीं हो रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अच्छा मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ किस मरीज की मौत हो रही है। आपने बोला कि ऐसे सिर्फ 3 मरीज को आपने देखा जिनकी मौत हुई है, का लेवल क्या था, उनको किस लेवल का संक्रमण नहीं, मौत, था? मौत, मौत, मौत नहीं हुई है, मतलब नहीं उनको एडमिट करने की जरूरत, एडमिट करने की जरूरत पड़ी। अच्छा देश में ही जिस तरीके से मौत हो रही है मरीजों की, वो किस लेवल के मरीज होंगे, मैं आपसे उनमें संक्रमण का लेवल क्या होगा मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूँ। अब इसमें जैसे मरने के जो जितने भी लोग अभी डी कर रहे हैं उसका बैक हिस्ट्री में जैसे कि मुझे जानकारी है उसके अनुसार मैंने पता किया, पहले से जैसे ओल्ड एज का पेशेंट है उसमें कार्डियक प्रॉब्लम पहले से, हाइपरटेंशन के ड्रग ले रहे हैं, उसके बाद डायबिटीज के ड्रग ले रहे हैं, बहुत सारा उसको पल्मोनरी डिजीज है, तो इस टाइप के लोग जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो उसका इम्यूनिटी तो बहुत वीक हो गए रहते हैं, ऊपर से वो डर जा रहे हैं और हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होते हैं जिस कारण से है, सो मतलब कि हॉस्पिटल में हो सकता है कि उनको आईसीयू में तो किसी को जल्दी मिलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि आईसीयू का रूल जो है कि सबको जल्दी मिलने दिया जाएगा और बढ़ेगा, तो हो सकता है पेशेंट कहीं रिपीट हो जाता हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि मैंने जब झारखंड के एक IRS ऑफिसर से मैं बात किया, उनके पिताजी का सेचुरेशन 60% था और उन्होंने आईसीयू में बेड जब उनको मिला हमको पूछे तो हमने बोला कि आप हॉस्पिटल में एडमिट कर लीजिए क्योंकि आपको ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, जरूरत। उन्होंने आईसीयू में वहां एडमिट कर लिया, ऑक्सीजन लगवाया, लेकिन उनके पिताजी बार बार बोल रहे थे मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ मर जाऊंगा। इससे क्या साबित हो रहा था ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा क्योंकि अकेला बंदा उस आईसीयू में इरिटेट हो रहा होगा, हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग की एक्टिविटी होती है कि 10 आदमी से मिल रहे हैं बात कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है ना, लेकिन जब ये वो अकेलापन हुआ होगा तो उसको डॉक्टर के प्रति हो सके कहीं डर लग गया होगा कि कहीं ये हमको मार न दे,
ये भी हो सकता है, बहुत लोग नेगेटिव भी फीडबैक में जा रहे हैं। हाँ, तो तुरंत मैंने बोला कि उनके आपके पिताजी जैसे कह रहे हैं वैसे कीजिए और ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यवस्था कीजिए और घर पर आप ले जाइए, मैं यहाँ से कॉल से सारा चीज कर लूंगा। और कॉल से सारा चीज किया, चार दिन के बाद वो पूरी तरह से वेल फिटेड हो गया, एकदम कम्प्लीट ठीक है वो। क्या बात है। अच्छा, ये बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि एक तो आईसीयू का माहौल मतलब डरावना होता है, मैं भी इसको जो कह लीजिए, कई ऐसे मेरे भी जान पहचान के, हालांकि अभी कोरोना में नहीं है, कोरोना से पहले जब दुनिया थी तब मेरे भी जान पहचान के रिलेशन कई ऐसे को आईसीयू में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी थी, मैं भी आईसीयू में गया हुआ हूँ, वहां का माहौल मतलब तो अजीब सा रहता है, डर लगता है क्योंकि ऐसे ऐसे उसमें क्रिटिकल मरीज रहते हैं कि अब क्या हो जाए, तब क्या हो जाए, ये पता नहीं चलता है, क्योंकि आईसीयू मतलब उसी तरीके से लाया जाता है कि इनको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे रखना है, तो चलिए अब ले चलते हैं क्योंकि दूसरा कोई उपाय है नहीं। तो ऐसे मरीजों को अगर वहां पर रखा जाता है तो एक तो उनमें ये भी डर रहता है कि फिर बगल में भी मरीज है, इधर भी मरीज है, और फिर कंडीशन खराब है, उसमें अकेलापन, वाकई में कोरोना से ज्यादा तो मुझे लगता है कि अकेलेपन के वजह से, डर की वजह से ही लोगों की मौत हो रही है। अकेलापन तो स्वाभाविक है ना, आप जैसे अब हम ही लोग हैं 110 आदमी का, क्योंकि हमारे पास जितने भी मरीज आए उसके गार्जियन को साथ में रख, दूर से ही बात कीजिए लेकिन बात कीजिए, खाना दीजिए, है ना। और हम लोग डेली है उससे बूस्टअप किए, और ऑक्सीजन घर पर बहुत सारे लोग थे जिसको ऑक्सीजन नहीं अरेंज हो सकता था, उन्ही लोगों को हम लोग अपना हॉस्पिटल में एडमिट किए थे कि चलो बेचारा मर जाएगा, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑक्सीजन का स्कार्सिटी इतनी है कि प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। डॉक्टर साहब, आप लोगों को भी ब्लैक पे ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम सीतामढ़ी में है, महावीर आरोग्य हॉस्पिटल सीतामढ़ी में जी, और ये बंडियारपुर पेट्रोल पंप महनपुर चौक के पास में मेरा अपना नर्सिंग होम है, मुझे भी खरीदने 10,000 में मैं ब्लैक से खरीदा हूँ, तो सोच नहीं सकते हैं। ये काफी दुखद लगता है कि जिस देश में हम इतनी बात करते हैं, जहाँ बिहार में इतनी व्यवस्थाओं की बात करते हैं, वहाँ डॉक्टर्स को भी ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में खरीदने पड़ जाते हैं, तो ये वाकई में दुखद है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल मरीजों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से स्थितियों, क्योंकि स्थितियां तो वाकई मरीजों, देश की स्थिति की बात कर लें, 4 लाख से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं, तो खराब नजर आ ही रही हैं, इसमें अपने आप को कैसे बचाएं, किस तरीके से रखें ताकि स्वस्थ रह सके और हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़े। जी, इसमें है कि अपनी दैनिक दिनचर्या जो है सो हमको बदलना पड़ेगा। जैसे हमारे यंगस्टर की सबसे बड़ा डिमेरिट पॉइंट क्या है कि 2 बजे रात तक जगेंगे, सुबह 8-9 बजे तक वो जगेंगे, सोए हुए रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि जवानी में जंग तो लगेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, है ना। तो कहावत है, जैसे हम लोग स्वामी विवेकानंद की बुक पढ़ते थे तो ये कहते थे कि किसी की बातों पर तब तक भरोसा नहीं कर लो चाहे आपका गुरु ही क्यों नहीं हो, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली साबित नहीं कर लेते हो। बिल्कुल, जैसे अब सारे लोग एजिथ्रोमाइसिन लिख रहे हैं, तो मैंने एजिथ्रोमाइसिन नहीं लिख रहा हूँ, ये मेरा अपना सोच है, मेरा पेशेंट उससे नहीं ठीक हो रहा है, मेरा है सो सेफोडॉक्सिन से ठीक हो रहा है, तो मैं क्यों नहीं थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन देकर ठीक, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो वो मैक्रोलाइड ग्रुप के ड्रग है, ये हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, दोनों अलग अलग काम है, दोनों का अलग अलग रोल है, तो इस ढंग से हो गए। जो सबसे बड़ी काम है कि हमको कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से ही नहीं दुनिया के हर बीमारी से बचने के लिए दैनिक दिनचर्या को स्टेबल करना होगा। जैसे सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, सुबह सूर्य उगने से पहले आप जग गए, पानी में थोड़ा सा गर्म पानी में थोड़ा सा है सो उसमें नींबू के रस मिलाकर मध मना मिलाकर है सो उसको है सो पीना है सुबह सुबह, फिर बाथरूम के लिए फ्रेश हो जाना है, ब्रश कर लेना है, थोड़ा सा योगा प्राणायाम ये सब आसन कर लेना है, फिर मॉर्निंग का डाइट जो है ब्रेकफास्ट जो है अंकुरित चना मूंग हो गया, बीट हो गया, एप्पल हो गया, अनार हो गया, कोई भी फ्रूट है सो आप लेकर मिला सकते हैं। जैसे मेरा तो बचपन से आदत है कि अंकुरित चना मूंग, एक प्याज हो गया, एक टमाटर हो गया, एक गाजर हो गया, ये परमानेंट मैं ले रहा हूँ, आज से नहीं मैं कई एक समय से ले रहा हूँ, और मैं पूरी तरह से फिट हूँ, मुझे तो जल्दी आज तक कोई इन्फेक्शन नहीं हुई, नहीं हुआ है ना। अच्छा डॉक्टर, उसके बाद दोपहर की लंच हो गई, जी दोपहर के लंच हो गई, जो भी खाते हैं अपना खाइए, और रात के सोते समय है सो मतलब कि गरीब की तरह खाना खाना है, जैसे कि आपको 4 रोटी खाने के डोज है तो 2 रोटी खाना है, जैसे मैं तो लिक्विड लेता हूँ ओनली 250 से 300 ml मिल्क लिया, उसमें कुछ मुनक्का मिला दिया, 2 चम्मच हल्दी मिला दिया, बस वही पीकर मैं रहता हूँ, तो मैं तो देखा हूँ काफी मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। नहीं फिट वाकई में, और फिट सब रहे यही डीटीवी भारत की भी कोशिश है, और इसलिए हम लगातार आप जैसे तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनको सामने लेकर आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं ताकि लोग समझे, लोगों को ये जानने की जरूरत है कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा आपसे जवाब चाहूंगा, क्या कोरोना को अपनी दिनचर्या में अब शामिल करने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना तो अब जाने वाला है नहीं?
हाँ ये बिल्कुल, कोरोना था, कोरोना है और कोरोना रहेगा, ऐसा नहीं है कि कोरोना नया पर आया। बिल्कुल कोई भी ऐसा ईयर आप उठा कर देख लीजिए, अप्रैल और मई मंथ के टाइम में फीवर को आना ही है, फीवर के बिल्कुल साथ आपको उल्टी होना है, लूज स्टूल होना है ना, उसके बाद ऐसा हेडेक होना है, एब्डोमेन पेन होना, ये कॉमन चीज है। अभी दुकान का चीज खाइएगा, लूज स्टूल शुरू हो जाएगी, शुरू हो तो जाएगा ये बिल्कुल। कॉमन चीज है ना। लेकिन इसमें डर जो पैदा हो गई, अगर आप डरे नहीं रहते तो नॉर्मल दवा से भी आप ठीक हो जाते, तो डरने की जरूरत नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं देना है कि भाई कोरोना क्या होता है, इस पर ध्यान ही नहीं देना है, इस नॉर्मल पर जो ध्यान ही सिंपल है नहीं उसको देना दवा है, खाना। बस कोरोना जी से बचाव रखना है, जो गाइडलाइन जी है उसका पालन करना है और थोड़ी सी दूरी बना के बस बस रखना बस है जी ताकि कोरोना से बिल्कुल हम बिल्कुल जंग जीत पाए। तो फिलहाल जिस तरीके से बिल्कुल स्थितियां बिल्कुल हैं, इन स्थितियों का ध्यान रखते हुए बिल्कुल भी नहीं डरें, बिल्कुल भी घबराएं मत, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित जी रहें, ना खाएं, साफ जी सुथरा जिस तरीके से रखना जी होगा वो रखें। ये एक दैनिक जी दिनचर्या अगर थोड़ा सा हम लोग अपना बदले और इस करें तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और फिलहाल डॉक्टर जी राजीव सर, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और अपनी बातें जी। कहें। और एक चीज और कहना चाहेंगे, हाँ एक चीज और बिल्कुल कहना चाहेंगे कि जिस आदमी को गला में लगे कि खराश टाइप के हो रही है, तो वो पानी में नमक डालकर, ओनली पानी में नमक और अदरक डालकर गला करे। अगर ऑफिशियल आदमी है वो जा रहे, तो हर हमेशा वो गरगला नहीं कर सकता, तो दो लौंग ऐसे मुंह में डालकर उसको टॉफी की तरह उसको चूसे, वो गला को काफी रिलैक्स महसूस करेगा, जैसा कि जी मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ, नहीं, है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रही। ना। लोग इन दिनों इससे परेशान है और लोगों को लगता है कि कैसे ठीक हो जाएगा, तो दवाई से बेहतर है कि एक दो बार आप ये जी भी ट्राई जी कर सकते हैं, और अगर दवाई लेनी है तो कोई बिल्कुल डॉक्टर से सलाह बिल्कुल जरूर लें और उसके बाद दवाई ले सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़कर बातचीत करने के लिए और अपनी बातें रखने। तो जी। आप देखते रहिए टीवी भारत, लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।